दुर्ग के राजेंद्र पार्क में भव्य चौथा फ्लावर शो का आयोजन किए जाने को लेकर तैयारियां चल रही है, जहां सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ ही फूलों से सजी रहेगी गैलरियां। दुर्ग नगर पालिका निगम के द्वारा इस वर्ष भी अपने चौथे फ्लावर शो का कार्यक्रम राजेंद्र पार्क में रविवार को किया जाएगा, जिसे मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन व विधायक अरुण वोरा के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप आम जनता को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए मॉडल तैयार किए गए हैं। साथ ही नगर पालिका निगम दुर्ग के द्वारा पारिवारिक वातावरण के अनुसार मनोरंजक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे उद्यान को फूलों से सजाया जा रहा है और गार्डन में आकर्षक रंग रोगन कर रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी की आकृति को फूलों से सजाया जा रहा है। इस संबंध में उद्यान प्रभारी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। फ्लावर शो की तैयारी तो करीब करीब पूरा होने को आ रहा है और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के गोठान वाला जो है उसमें हम लोग गोबर पेंट का यहाँ प्रदर्शनी रखेंगे और गोबर से जो गोठान का और छत्तीसगढ़ महतारी के श्रृंगार किया हुआ उनको फूलों से श्रृंगार करेंगे और मुख्यमंत्री जी के और योजनाओं को भी फूलों से सजाएंगे। और पिछले हम लोग बाहर के पर्यावरण को ध्यान देते हैं, अपने घर के अंदर इतना प्लास्टिक यूज़ करते हैं और घर अंदर हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना ज़रूरी है। हमको इस बार ऐसे प्लांट लाएंगे दिखाने के लिए जिसमें घर में रख सकते हैं, जो 24 घंटा वो प्लांट ऑक्सीजन देगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।